हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली आप सबको, नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। आज जो लास्ट पार्ट है, ओपनिंग ट्रैक्सलर काउंटर अटैक, इसका जो लास्ट पार्ट है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और ये ब्लैक से खेली जाती है, सबको पता ही है। जैसे कि व्हाइट जब e4, e5, नाइट f3, Nc6, बिशप c4, नाइट f6, देन नाइट टू g5। इसके आगे आपको ब्लैक से ट्रैक्सलर काउंटर अटैक करना है। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं, आज ये तीसरा और फाइनल है, जिसमें मैं आपको दो अलग अलग वेरिएशन व्हाइट और क्या क्या खेल सकता है उसके बारे में बताऊंगा। बिशप c5 यहाँ पे हमारा मेन मूव होगा। नाइट f7 के बारे में हमने बहुत सारे वेरिएशन देख लिया गया कि दो वीडियो में, आज मैं आपको दिखाऊंगा बिशप क्रॉस f7। पहले हम देखेंगे, एक बाकी रह गया है जो नाइट f7, नाइट f7 बिशप क्रॉस f2, ये आपको पता है सेक्रीफाइस आता है यहाँ पे। यहाँ पे किंग टेक्स f2 वाला वेरिएशन हमने जो था, उसके बाद उसके सारे मूव्स हमने देख लिए हैं। और जिसने भी ये आगे के वीडियो नहीं देखे, ध्यान से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारे ओपनिंग्स आपको मिलते रहेंगे। तो बिशप f2, उसके बाद अगर किंग ये गैम्बिट एक्सेप्ट नहीं करता है, हमने एक्सेप्टेड में देख लिया, लाइक किंग f1 जाता है, किंग e2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किंग e2 में नेक्स्ट हेड d5, देन बिशप चेक से आपको स्क्यूअर में क्वीन मिल रही है, ये सबको दिखेगा। तो किंग f1 के सामने जो बेस्ट रिप्लाई है वो है क्वीन e7। यहाँ पे हम एक मूव जो किंग e2, यहाँ आप नाइट d4 भी कर सकते हो चेक के साथ, अटैक कंटिन्यू। तो किंग f1 में क्वीन e7, ये रिप्लाई ध्यान रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाइट से क्या क्या खेल सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? एक तो किंग क्रॉस f2, नाइट क्रॉस h8, ये दो खेल सकते हैं व्हाइट से, दो बेस्ट ऑप्शन और नेचुरल मूव है, इसमें कोई और मूव आते ही नहीं है व्हाइट की ओर से। तो यहाँ पे पहले देखते हैं किंग क्रॉस f2, लाइक वो बिशप अब एक्सचेंज ऑफर कर रहा है, तो यहां आपको रिप्लाई देना है रुक f8। ये नाइट को पिन करना है एक्सरे अटैक में, जब भी आपका नाइट मूव करेगा तो डिस्कवर चेक बनेगा, बेस्ट टैक्टिक्स है यहाँ पे। रुक f8 के बाद सपोज व्हाइट ने d3 किया, डार्क स्क्वायर बिशप को खोल दिया, यहां आपको रिप्लाई देना है d5, बिशप टेक्स d5। जैसे कि आप देख सकते हो e takes d5 पॉसिबल नहीं है, सिंपल रुक टेक्स f7 हो रहा है। तो बिशप टेक्स d5, नाइट टेक्स d5 आपको मार देना है, आफ्टर e takes d5 क्वीन टेक्स f7 चेक। अब यहां पे बेस्ट चॉइस क्या है? ओनली चॉइस है क्वीन f3, और क्वीन f3 के बाद यहां 25, और ये गेम सिंपल आपके हाथ में, क्वीन आपको मिल रही है यहाँ पे कंप्लीटली। चलिए नाइट h8 के बारे में क्या ख्याल है देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपके क्वीन e7 के बाद व्हाइट ने अगर बिशप एक्सेप्ट नहीं किया और नाइट टेक्स h8 किया, तो नाइट h8 में आपको खेलना है d5। बिशप d5 बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। क्यों ब्लंडर होगा? यहाँ पे बिशप g4 और क्वीन ट्रैप हो रही है, तो बिशप d5 पॉसिबल नहीं है। मान लो कि उसने किंग टेक्स f2 बिशप मार लिया आपका,
तो यहाँ आपको सिंपल पीस वापस ले लेना है। नाइट C3 वाइट डेवलप करेगा और यहाँ फिर से बिशप G4, किंग क्वीन E1 और फिर नाइट D। ये पोजीशन भी काफी अच्छे ब्लैक के फेवर में है। किंग F2 के बाद मान लो कि टेंथ मूव किंग F2 DC4 यहाँ पे आपको सिंपल DC4 नाइट C3 बिशप G4 किंग E1 और नाइट D4 ये मूव ऑर्डर खास ध्यान करके रखना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों क्वीन जैसे क्वीन ई सेवन में नाइट H8 देखा, किंग F2 भी देखा, लेकिन एक दो मूव और भी मैं बताना चाहता हूँ। किंग F2 में रुक F8 के बाद अगर व्हाइट यहाँ पे ब्लंडर करता है, D3 जरूरी है, नाइट C3 बिग ब्लंडर, क्योंकि नाइट C3 में क्वीन C5 और आपको यहाँ पे बिशप मिल जाएगा और पीस अप हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे पोजीशन दोस्तों King F2 D5 देन बिशप D5 नाइट D5 वो पोजीशन हमने देख ली। और अगर पॉन टेक्स पॉन करता है व्हाइट तो यहाँ पे नाइट G4 देना, आपको बिशप G4 नहीं खेलना है, नाइट G4 आफ्टर किंग E1 सिंपल क्वीन टेक्स नाइट और यहां से सीधी F2 से चेकमेट है। तो इसे बचाने का एक ही ऑप्शन है क्वीन F3। यहाँ पे आप खेल सकते हो क्वीन G3 आफ्टर क्वीन G3 नाइट D4 और ये पोजीशन कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में है दोस्तों। अब देखते हैं बिशप क्रॉस F7। जैसे नाइट F7 देख लिया आपने, नाइट F6 के बाद नाइट G5 बिशप C5, यहां पे कुछ लोग बिशप F7 चेक देके खेलते हैं। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरफ से गेम ब्लैक के फेवर में रहेगी। मैं सारे मूव आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। यहां पे आपके पास एक ही बेस्ट चॉइस है, किंग E7। चलिए अब यहां से सिक्स्थ मूव में दो चॉइस है, एक तो व्हाइट अपना बिशप वापस ले लेता है और दूसरा बिशप D5। दोस्तों दोनों ही मूव में बिशप को मूव करना पड़ेगा व्हाइट को नेक्स्ट मूव में, अदरवाइज H6 और यहां से नाइट को डिफेंडर को हटा के हम किंग टेक्स बिशप मार सकते हैं, सिंपल पीस ऑफ होने वाले। तो दो ऑप्शन है बिशप B3, पहले देखते हैं बिशप B3। यहां मैं आपको सजेशन करूंगा D6, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क वाला मूव है। नाइट F7 देखो फॉर्क अलाउ कर रहे हैं हम। अब आप सोचोगे कि ये जानबूझ के हम फॉर्क क्यों अलाउ करोगे, आगे आगे आपको मूव जबरदस्त मिलेगी। क्वीन F8 खेलना है इसमें। चलिए यहां से इस पोजीशन से व्हाइट के पास कितनी चॉइस है, थ्री चॉइस, लाइक एक तो सिंपल डेवलपमेंट D3, दूसरा है नाइट क्रॉस रुक मारने और थर्ड चॉइस है नाइट डेवलप करना। अब तीनों चॉइस में अलग अलग रिप्लाई है, खास ध्यान रखिए। नाइट H8, अब नाइट H8 में आपको करना है बिशप F2, कंप्लीटली गेम विनिंग। किंग F1 ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा, यहां आएगा बिशप G4 और व्हाइट की क्वीन ट्रैप हो रही है। किंग F2 में सिंपल नाइट F4 करना है। इस चेक में अगर व्हाइट किंग F2 करता है तो नाइट E4 फॉलो बाय चेकमेट।
ओके यहाँ पे D3 देख लेते हैं दोस्तों, नाइट H8 नहीं कर रहा है, सपोज व्हाइट ने ये इस पोजीशन से D3 किया लाइक डिफेंस पीस को डेवलपमेंट, यहां भी बिशप F2 आएगा सेक्रीफाइस आफ्टर किंग टेक्स F2। यहां आपको एक मूव बदलना है नाइट D4, तुरंत डिस्कवर नहीं देना है, बिशप पे अटैक करना है। नेक्स्ट थ्रेट है नाइट टेक्स D3, व्हाइट खेलेगा नाइट C3 और यहां पे सपोज आपने व्हाइट ने यहां पे नाइट H8 कर दिया, आप सोचोगे वो नाइट क्यों देना चाहेगा। ओके नाइट H8 के बारे में सिंपल, नाइट टू B3 AB3 और बिशप इस मूव से पहले ओके D3 के बदले नाइट H8 और ये नाइट टेक्स E4, आप बिशप F2 सेक्रीफाइस तुरंत दे दो और उसके बाद नाइट टेक्स E4। ओके दोस्तों अब हम सिक्स्थ मूव में चेंजिंग देखेंगे, BB3 के बदले बिशप D5, हालांकि इसमें आपको सिंपल NF7 तो हम देख चुके हैं, हमें देखना है बिशप F7 आफ्टर किंग टेक्स देन बिशप D5। यहां पे हम थोड़ा सा ये चेंजिंग है, BB3 के बदले यहां आपको करना है D6, व्हाइट खेलेगा C3, क्वीन E8। देखो ये एक बहुत ही जबरदस्त मूव है, व्हाइट यहां पे कैसल करेगा और उसके बाद आपको खेलना है बिशप टू G4, क्वीन B3 ओनली बेस्ट ऑप्शन है जो पूरी लाइट स्क्वायर पे अटैक करेगा। यहां पे सिंपल आपको खेलना है H6। ओके अब यहां से गेम, सपोज व्हाइट ने क्वीन B7 कर दिया, आपके नाइट पे दो दो अटैक आते हैं, तो नाइट D5 ये एक बढ़िया मूव है, नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, व्हाइट खेलेगा पॉन टेक्स नाइट, आप पॉन टेक्स नाइट मारोगे और यहां पे क्वीन टेक्स C6, पोजीशन ऐसी कुछ रहेगी और उसके बाद क्वीन H5 मेटिंग अटैक के साथ में सिंपल गेम विनिंग है। तो दोस्तों ये थी ट्रेक्सलर काउंटर अटैक, तीनों तीन वीडियो आपके सामने है, वन बाय वन सारे वीडियो देख लीजिए।